मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। आज हम एक ऐसे माइंड ब्लोइंग सिंगर की बात कर रहे हैं जिनके हर गाने सुपर डुपर हिट होते हैं। लोग इनके म्यूजिक के ही नहीं बल्कि हेयर स्टाइल और स्माइल के भी करोड़ों दीवाने हैं। लोग जब इनका गाना सुनते हैं तो इनका कंपैरिजन आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से करते हैं। लोग कहते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई अरिजीत सिंह और आतिफ असलम को टक्कर देने आ गया है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है द वेरी हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट सिंगर जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सिंगर है जिनके गाने लोगों के हरदम जुबान पर रहते हैं। इतने बेहतरीन सिंगर होने के बाद भी इन्हें क्यों रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिया गया? आवाज बहुत अच्छी है। You have a beautiful timbre of voice. काम करना पड़ेगा काफी। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वॉइस अच्छी है, सो ओवरऑल देर इज समथिंग देयर बट देर इज समथिंग नॉट देयर, आई एम अ लिटिल अनश्योर। जुबिन, मैं दोनों ने जो कहा है मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, मेरी तरफ से ना है। और बिना पहचान के कैसे उन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ी और कैसे आज बन गए इंडिया के टॉप मोस्ट फेवरेट सिंगर, तो आज की इस वीडियो में हम इनकी लाइफ स्टोरी के थ्रू इनकी लाइफ के वो सारे अनसुने राज जानेंगे जो आप नहीं जानते होंगे, और ये भी जानेंगे कि आखिर जुबिन नौटियाल का कौन है पहला प्यार जिसे आज भी वो शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। तो जुबिन को नजदीक से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। 14 जून 1989 को उत्तराखंड के देहरादून के जौनसार के क्यारी गांव में एक लड़के का जन्म हुआ जिसे आज पूरी दुनिया जुबिन नौटियाल के नाम से जानती है। जुबिन का जन्म तो क्यारी गांव में हुआ है, लेकिन इनके जन्म के कुछ समय बाद इनके पापा पूरी फैमिली को लेकर देहरादून शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण जुबिन देहरादून में बड़े हुए हैं। जुबिन एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनके पापा रामशरण नौटियाल एक बिजनेसमैन है, साथ ही साथ राजनेता भी, और इनकी मम्मी नीना नौटियाल भी एक बिजनेस वूमेन है। जुबिन के पापा गाने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, इनके घर में हमेशा गाना बजा करता था। जुबिन जब 4 साल के थे तो इनके पापा ने इन्हें गोद में बैठाकर एक प्यार का नगमा गाना सुनाया, तब से जुबिन को गाने से मोहब्बत हो गई। और इस कदर मोहब्बत हो गई कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया कि मैं बनूंगा तो बनूंगा सिर्फ और सिर्फ सिंगर। तब से जुबिन ने सिंगिंग में पूरा फोकस डाल दिया। बड़े होते होते इन पर म्यूजिक का जुनून कुछ इस कदर सवार हो गया था कि इन्होंने 10th और 12th भी म्यूजिक से कर डाला। वैसे तो जुबिन ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई सेंट जोसेफ एकेडमी स्कूल से की है और 10th और 12th की पढ़ाई इन्होंने वेलम बॉयज स्कूल देहरादून से की है क्योंकि वहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दी जाती थी। जुबिन ने सिंगिंग तो सीखी ही, साथ ही साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, ड्रम और हारमोनियम भी बजाना सीख लिया था। ये अपने स्कूल में परफॉर्मेंस देते थे और अपने शहर में भी ये लाइव परफॉर्मेंस करते थे। जुबिन कहते हैं कि मुझे ताली की लत लग गई थी, मैं अपने आप को अपने शहर का सुपरस्टार समझने लगा था। फिर क्या था, स्कूलिंग खत्म हुई और 2007 में मैंने बैग पैक किया और मुंबई आ गया। जुबिन जब 18 साल के थे तो इन्होंने मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ म्यूजिक सीखने लगे। जब ये मिठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सोर्स लगाया और बहुत जद्दोजहद के बाद ये एहसास स्टूडियो पहुँच गए और वहाँ पर AR रहमान से मुलाकात की। वो मुलाकात मात्र 5 मिनट की थी। जब ये AR रहमान से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। इन्होंने गाना सुनाया और तब AR रहमान से पूछा कि मैं कैसे गाता हूँ। तब AR रहमान ने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत अलग है, लेकिन अभी तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी है, तुम जिससे सीख रहे हो उसी से सॉन्ग सीखो और 21 साल की उम्र में मुंबई वापस आ। फिर इन्होंने AR रहमान की बात मानी और देहरादून वापस आ गए और इस बात को मान लिया कि अगर मुझे बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम कमाना है तो मुझे लर्निंग में फोकस करना होगा। देहरादून आने के बाद इन्होंने DAV कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया और मिसेस वंदना श्रीवास्तव से ये संगीत सीखने लगे। ये वही वंदना श्रीवास्तव है जिनसे ये स्कूल में संगीत सीखा करते थे। 4 साल तक इन्होंने ट्रेवल कर करके म्यूजिक सीखा, जैसे बनारस से पंडित छन्नूलाल मिश्र से संगीत सीखा और श्री सामंत से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली। इसके बाद चेन्नई से वेस्टर्न म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। 4 साल लगातार ये अपनी आवाज़ और सिंगिंग पे काम करते रहे और 4 साल बाद 2011 में अपने गिटार के साथ एक फेमस रियलिटी शो एक्स फैक्टर के थ्रू मुंबई ये वापस आए, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सोनू निगम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाकी 2 जजेस तैयार थे जिसकी वजह से इनका एक्स फैक्टर में सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन ये टॉप 25 से बाहर हो गए थे, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा टूट गए थे क्योंकि ये बहुत ढेर सारे सपने लेकर और बहुत मेहनत करके मुंबई वापस आए थे।
लेकिन सपने जरूर इनके टूटे हुए थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि जुबिन कहते हैं कि मुझे बचपन से पता था कि मुझे क्या करना है। सिंगिंग मेरा जुनून था और मुझे जिंदगी भर गाना ही गाना था, जिसके कारण ये गिटार लेकर मुंबई के ढेर सारे म्यूजिक प्रोडक्शन के चक्कर काटने लगे। बहुत ज़्यादा चक्कर काटने के बाद इन्हें गाने के स्क्रैचेस गाने का मौका मिला। अब गाने के स्क्रैचेस क्या होते हैं? गाने के फाइनल रिकॉर्डिंग के पहले छोटे मोटे सिंगर से गाना गवाया जाता है, जिसे स्क्रैचेस कहते हैं, ताकि गाने के धुन, ताल और लय समझ में आ सके। जुबिन ने लगभग 100 से 150 तक गाने के स्क्रैचेस गाए, और जुबिन ने अपने संघर्ष के दिनों को कभी संघर्ष नहीं समझा, वो सिर्फ और सिर्फ इसे एक जर्नी कहते हैं। और ये अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए गाने के स्क्रैचेस गाते थे। ये गाने के स्क्रैचेस ऐसे गाते थे जैसे इन्हीं की आवाज में गाना रिलीज होने वाला है। फिर क्या था, 2014 का साल आया और अक्षय कुमार की मूवी द शौकीन का मेहरबानी सॉन्ग का स्क्रैचेस गाने का मौका मिला। जब मेहरबानी सॉन्ग का स्क्रैच अक्षय कुमार के पास पहुंचा, तो अक्षय कुमार ने जब ये स्क्रैच सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे ये गाना ऐसे ही चाहिए और मुझे सिंगर भी यही चाहिए। और उसी साल सोनाली केबल का उन्होंने एक मुलाकात सॉन्ग गाया था जो रिलीज हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था। लेकिन जुबिन ने रिकॉर्ड सबसे पहले मेहरबानी किया था, और जब मेहरबानी सॉन्ग रिलीज हुआ तो वो भी सुपर डुपर हिट हुआ। जुबिन एक ऐसे सिंगर हैं जिनका रिकॉर्ड तो पहले मेहरबानी सॉन्ग हुआ है, लेकिन रिलीज एक मुलाकात सॉन्ग हुआ है। इसके बाद जुबिन ने कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखा। जुबिन भक्ति गाने भी गाते हैं और पुराने गानों के रीमेक भी गाते हैं। जब जुबिन पुराने गानों के रीमेक गाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी गाने का ये रीमेक है, उसमें वो फ्रेशनेस डाल देते हैं। और जुबिन के आज हर गाने सुपर डुपर हिट होते हैं और ट्रेंडिंग पेज के नंबर 1 पर होते हैं। इनके गाने यहाँ पर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुने जाते हैं, और ये यूथ के फेवरेट सिंगर बन चुके हैं। जुबिन के अगर रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो जुबिन का पहला प्यार और उसे आज भी जिसे वो शिद्दत से मोहब्बत करते हैं वो है उनका गिटार, क्योंकि जुबिन कहते हैं कि ये वही चीज़ है जिसने मेरे अप्स एंड डाउन में मेरा साथ दिया, और जितना मैंने संघर्ष किया उतना ये भी संघर्ष किया है। जुबिन अपने गिटार से इतना प्यार करते हैं कि उसका नाम वेदा रख रखा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जुबिन ने आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया। जुबिन इस टाइम सिंगल है। तो चलिए जुबिन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं जिसको जानकर आप आज हैरान हो जाने वाले हो। आपको ये लगता हो कि जुबिन बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के और रेशमी अंदाज से गाना गाने वाले सिंगर हैं, लेकिन उन्होंने बचपन में अपने बहनों के बाल काट दिए थे। ये 12th में सस्पेंड हो गए थे क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल के 300 से 400 यूनिफॉर्म जला दिए थे, जिसका कारण ये था कि स्कूल वाले स्कूल के यूनिफॉर्म चेंज कर रहे थे और जुबिन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्कूल के यूनिफॉर्म चेंज हो। जुबिन बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। ये मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है और ये नेशनल लेवल के शूटर हैं। जुबिन ने MBA कर रखा है और इनकी हाइट 6 फीट 3.5 इंच है। जुबिन चैरिटी के लिए लाइव परफॉर्मेंस करते हैं और उस लाइव परफॉर्मेंस से जितने भी पैसे आते हैं वो सारे के सारे चैरिटी को जाते हैं। जुबिन बॉलीवुड सॉन्ग के अलावा तमिल, तेलुगु, मराठी जैसे रीजनल लैंग्वेज में भी गाना गाते हैं। जुबिन की एक बात आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर जाएगी। जुबिन कहते हैं कि मेरे पापा बिजनेसमैन थे और राजनेता भी, लेकिन मैंने कभी भी अपने पापा के कंधों का सहारा नहीं लिया, और मैं चाहता तो आसानी से बिजनेसमैन या राजनेता बन जाता, लेकिन मैं अपने पापा से इंस्पायर होकर वैसा ही करना चाहता था जैसा मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा भी जमीन से उठकर बहुत आगे गए और मैं भी जमीन से उठकर बहुत आगे जाना चाहता हूँ और अपने सपनों के साथ जीना चाहता हूँ। जुबिन इतने ज़्यादा सफल होने के बाद भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जर्नी है, मुझे अभी अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है और अपनी मंजिल तक पहुँचना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जर्नी और लंबी होती जाए। तो चलिए जुबिन आपके सारे सपने पूरे हों इसी विश के साथ इस वीडियो को मैं यहीं करना चाहूँगी। अगर आपको जुबिन की छोटी सी लाइफ स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जुबिन नौटियाल आपके कितने फेवरेट हैं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे और पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।